नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। रतिया क्षेत्र में नशीले पदार्थों के बढ़ रहे प्रचलन के खिलाफ शहीद भगत सिंह नौजवान सभा ने दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नाथवान के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा और नशे का कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आप देख रहे हैं रतिया पल पल से राजेंद्र मित्तल की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि रतिया क्षेत्र में नशीले पदार्थों के बढ़ रहे प्रचलन के खिलाफ शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मनदीप सिंह नाथवान के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा, नशे का कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सभा के सदस्यों ने मलकीत सिंह, जितेंद्र सिंह, तेजेंद्र सिंह थिन, परमजीत लाली, निर्भय सिंह, परविंदर सिंह और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सभा के कार्यकर्ताओं ने मनदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी टेकचंद को ज्ञापन सौंपा और बताया कि आजकल रतिया क्षेत्र में अफीम, स्मैक, गांजा, चिट्टा आदि का प्रचलन है। इसके अलावा भी कई नशीले पदार्थ यहां पर खूब बिक रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मोहल्ले, गलियों और नुक्कड़ पर दुकानों में नशीले पदार्थों की बिक्री सरेआम हो रही है, जिससे शहर की युवा पीढ़ी नशीले पदार्थों की चपेट में आकर अपना भविष्य खराब कर रही है। साथ ही नशीले पदार्थों की पूर्ति करने के लिए युवाओं को गलत काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए बढ़ रहे नशे को जल्द से जल्द रोक लगाई जाए और नशे के व्यापार पर भी अंकुश लगाया जाए। वहीं सभा के अध्यक्ष मनदीप सिंह ने पुलिस के कर्मचारियों पर भी नशीले पदार्थों की रोकथाम करने में सुस्त रवैया होने का आरोप लगाया। पुलिस अधिकारियों ने सभा के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि जो भी व्यक्ति नशीले पदार्थों का काम करेगा या उनका सेवन करने में अहम भूमिका निभा रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पुलिस के पहले भी प्रयास रहे हैं नशे पर अंकुश लगाने के लिए और लगाते ही रहेंगे। जो इन्होंने मांग पत्र दिया जी, अफसरान के सम्मुख दिया जाएगा और अपनी तरफ से कोई ढील नहीं बरती है। मांग पत्र में क्या बोला इन्होंने? मांग पत्र में प्रशासन से यही कराया गया है भी जो नशा, चिट्टा, अफीम, भुक्की वगैरह है, इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जाए। कार्रवाई जितने भी ये नशा के तस्कर हैं, इनको पहले भी पकड़ा जा रहा है, अब भी पकड़ेंगे और इनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाए। आपने जो पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन तो पहले भी हमने लिखती रूप में डाक के माध्यम से देते रहे हैं। आश्वासन तो यही देते रहे हैं, हम तस्करों को पकड़ेंगे, मगर अभी तक तस्करों को पकड़ा नहीं। मेरे हिसाब से वो वैसी कार्रवाई नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी और आगे से बढ़ गए नशा तस्कर। पंजाब के बाद हमारे क्षेत्र में नशे का काफ़ी काम फसा दी नशे, और नशे की जो घटनाएँ हैं लगातार बढ़ती जा रही है। नशे के तस्कर शरेआम नशा बेच रहे हैं। आज हमने एसपी साहब फतेहाबाद के नाम एक मांग पत्र भेजा और मांग की है कि नशा तस्करों के ऊपर लगाम लगाइए। वो दिन दूर नहीं होगे जैसे पंजाब के अंदर हर रोज़ नौजवान नशे के कारण मौत हो रही नौजवानों की, ऐसी परिस्थिति हमारे इलाके में ना पैदा हो जाए। नशे के कारण आने वाले समय में चोरियां भी बढ़ेंगी और यहाँ जो अमन शांति है वो भी भंग होगी। हम पहले सचेत करने के लिए हम पहले लगातार नौजवान सभा की तरफ से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और नशा तस्करों के बड़े हौसले बुलंद है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं अब नशा बंद हो जाए, मगर वो लिखती रूम में नशा तस्करों से डरते हुए उनकी कंप्लेंट भी नहीं करते। नशा तस्करों के साथ प्रशासन की मिली भगत है और जिसके तहत ये नशा बिक रहा है। हम मांग करने के लिए आए हैं इसलिए नशे के ऊपर अंकुश लगाया जाए। आपकी सभा नशे पर रोक थाम रुकवाने के लिए क्या कोशिश करेगी? लगातार देखो जी, हम लगातार सभा का मेन उद्देश्य है नौजवानों को नशे से दूर करना। जैसे 2.5 साल पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नौजवान सभा के साथ एक वायदा किया था कि रतिया को नशा मुक्त कर देंगे, मगर आज 2.5 साल बीत जाने के बाद ये घटना नशा रुका नहीं पर बढ़ गया, और ना ये मंत्री ने अपने जो वायदा किया था ना वायदा ही याद नहीं होगा शायद मंत्री को। तो आज हमने ये मांग पत्र दिया है और हम इस नशे के खिलाफ हमारे संघर्ष को और तेज़ करेंगे।